मीठे खीर पर मोहब्बत का ऐसा अमल कि महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत की ऐसी मिठास पैदा कर दे कि महबूब आपके बगैर रह नहीं पाए, वो पल पल आपको मिलने को तरसे, उसके दिल में ऐसी शदीद मोहब्बत पैदा कर दे कि वो पूरी ज़िंदगी आपका ही तलबगार रहे, जैसे आप चाहें वो वैसे ही करने पर मजबूर रहे। इस अमल को कैसे करना है, कब करना है, तो चलिए आप भाइयों को बताते हैं। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। इस अमल के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, मुस्लिम भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी महबूब है आपसे मोहब्बत नहीं करती, या आपसे मोहब्बत करती भी है लेकिन वो मोहब्बत नहीं करती जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हर वक्त हर पल सिर्फ मेरे बारे में सोचे, उसके वहम गुमान में सिर्फ मैं रहूं, वो जो भी काम करे वो हर वक्त हर पल मेरे बारे में ही सोचता रहे, मुझसे ही मिलने को तरसता रहे, मेरे ही तलबगार हो, तो मेरे भाइयों एक बार आप इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपका ही तलबगार रहेगा, आपसे मिलने को तरसेगा, उसके वहम गुमान में सिर्फ आप होंगे, ऐसी शदीद मोहब्बत होगी कि वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। तो चलिए अब आपको अमल बताते हैं। दोस्तों, अमल में करना ये है कि आपने मीठा खीर बनवा कर लाना है और आपने थोड़ा सा अपने सामने रख लेना है। इस अमल को करने के लिए कोई भी दिन मुकरर नहीं है, कोई भी टाइम मुकरर नहीं है, आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा मीठा खीर बना कर लाना है और आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी इस पर पढ़ना है, 3 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है और फिर आपने इस वजीफे को पढ़ना है जो कि स्क्रीन पर आ रही है, या लतीफ़ो या लतीफ़ो, 299 मरतबा आपने इस वजीफे को पढ़ना है और आखिर में फिर से आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर इस खीर के ऊपर दम कर देना है। उसके बाद आपने सिर्फ 1 चम्मच अपने महबूब को खिला देना है। दोस्तों, जैसे ही वो 1 चम्मच खीर खाएगा, यकीन जाने उसके दिल में आपके लिए इतनी शदीद मोहब्बत पैदा होगी, इतनी मोहब्बत की मिठास पैदा होगी कि वो आपको ही देखता रहेगा, उसके वहम व गुमान में सिर्फ आप रहेंगे, वो हर वक्त हर पल सिर्फ आपका ही तलबगार होगा, आपके ही ताबे होगा, जैसे आप चाहेंगे वो वैसे ही करेगा, वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप भाइयों को फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलूँगा एक खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।